सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, जमात चौथी विषय गणित विच साडा अध्याय 7 आकृतियां चल रहा है, जिस विच अज असी चक्कर नाल संबंधित धारणावां जिवें कि केंद्र, अर्धव्यास, व्यास अते जीवा बारे जानकारी हासिल करांगे। ते आओ शुरू करदे हां। सब तो पहला बच्चों, असी एक चक्राकार पेपर लिया है, फिर असी इस नूं बराबर करके इस तरह मोड़दे हां। हुण देखो बच्चो, इस दा एक फोल्ड बनदा है जो कि केंद्र बिंदु ओ विचों निकल रहा है। इस नूं असी चक्कर दा व्यास कहंदे हां, भाव ए ओ बी इस चक्कर दा व्यास है। बच्चो हुण असी ए ओ बी व्यास दा इस तरह अद्धा कर लैंदे हां। हुण तुसी देख रहे हो बच्चो, ए ओ बी दा अद्धा भाव ओ बी अते ओ ए इस चक्कर दे अर्धव्यास हन। बच्चो हुण असी पेपर नूं किसी भी जगह तो इस तरह फोल्ड करदे हां। हुण देखो बच्चो, जिथे पेपर दा फोल्ड बनया है, सी बी इस चक्कर दी जीवा है। आओ इस तो बाद हुण असी कापी ते अभ्यास करना सिखदे हां। बच्चो, चक्कर बनाउण लई प्रकार दी तिखी नोक नूं एक बिंदु ते रखिया जांदा है। इस प्रकार फिर असी एक चक्कर बना लैंदे हां। ए बिंदु ओ इस चक्कर दा केंद्र है। बच्चो, जदों असी चक्कर दे केंद्र ओ नूं चक्कर दे घेरे ते स्थित किसी भी बिंदु नाल मिला दईए, तां ए रेखा खंड ओ ए चक्कर दा अर्धव्यास अखवांदा है। इसे तरह बच्चो, असी चक्कर दे केंद्र तों घेरे तक एक होर रेखा खंड बना लैंदे हां, ओ बी। ओ बी भी बच्चो इस चक्कर दा अर्धव्यास है। इसी प्रकार बच्चो, ओ सी भी इस चक्कर दा अर्धव्यास है। बच्चो, चक्कर दे सारे ही अर्धव्यास आपस विच बराबर हुंदे हन, भाव ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। बच्चो, किसी भी चक्कर विच केंद्र तों घेरे तक अनगिनत ही अर्धव्यास खिचे जा सकदे हन, ते ए सारे ही अर्धव्यास आपस विच बराबर हन। बच्चो, हुण प्रकार दी सहायता दे नाल असी एक होर सर्कल ड्रा कर लैंदे हां। आओ बच्चो, हुण असी एक रेखा खंड बनाउंदे हां। इस रेखा खंड दा नाम असी ए बी रखदे हां। हुण ध्यान नाल देखो बच्चो, ए रेखा खंड ए बी चक्कर दे केंद्र ओ विचों दी लंघ रहा है, ते इस दे अंत बिंदु चक्कर दे घेरे उपर स्थित हन। बच्चो, ए रेखा खंड ए ओ बी इस चक्कर दा व्यास है। हुण बच्चो, चक्कर दे केंद्र ओ विचों दी असी एक होर रेखा खंड बना लैंदे हां, जिस दे अंत बिंदु भी इस चक्कर दे घेरे उपर स्थित हन। इस दा नाम असी सी डी रखदे हां। ए रेखा खंड बच्चो सी ओ डी वी इस चक्कर दा व्यास है। इस तरह बच्चो, असी इस चक्कर दे होर भी कई व्यास बना सकते हां। ते तुसी एक गल याद रखनी है कि एक चक्कर दे सारे ही व्यास लंबाई विच बराबर हुंदे हन। जिस तरह तुसी इस चक्कर विच देख रहे हो बच्चो, व्यास ए ओ बी अते व्यास सी ओ डी आपस विच बराबर हन। बच्चो, एक गल तुसी हमेशा याद रखनी है कि चक्कर दा व्यास ए ओ बी चक्कर दे अर्धव्यास ओ ए तो हमेशा दुगना हुंदा है, भाव व्यास बराबर दो गुना अर्धव्यास। बच्चो, असी ए भी कह सकते हां कि चक्कर दा अर्धव्यास चक्कर दे व्यास तो अद्धा हुंदा है, भाव ओ बी ए ओ बी दा अद्धा भाग है। बच्चो, हुण असी प्रकार दी सहायता दे नाल एक होर चक्कर बनाउंदे हां, जिस दा कि केंद्र ओ है। आओ बच्चो, हुण असी चक्कर उपर स्थित किसे भी दो बिंदुआं नूं मिला के एक रेखा खंड बनाउंदे हां। ए रेखा खंड ए बी इस चक्कर दी जीवा है। इस तरह बच्चो, असी चक्कर दियां होर जीवा भी बना सकदे हां। हुण तुसी देख रहे हो बच्चो, रेखा खंड ए बी सी डी ई एफ जी एच अते आई जे ए सारियां ही इस चक्कर दियां जीवा हन। तुसी देख रहे हो बच्चो, रेखा खंड ई ओ एफ इन्हां विचों सब तों लंबी जीवा है। पर बच्चो, तुसी जानदे हो ओ रेखा खंड जो चक्कर दे केंद्र विचों निकलदा है ते जिस दे अंतिम बिंदु चक्कर दे घेरे उपर स्थित हुंदे हन, उस नूं तां असी चक्कर दा व्यास कहंदे हां।
इस तरह बच्चो तुसी देखिया व्यास चक्कर दी सब तो लंबी जीवा हुंदी है। आओ बच्चो हुण असीं अज दा सवाल हल करदे हां। बच्चो हेठां दित्ता चक्कर दा चित्र देख के अर्ध व्यास दा नाम दसो। देखो बच्चो सानू पता है ए बी इस चक्कर दा व्यास है, ओ इस चक्कर दा केंद्र है, सी डी इस चक्कर दी जीवा है, अते ओ ए अते ओ बी इस चक्कर दे अर्ध व्यास हन। इस तरह ससा उत्तर ठीक है ते इस उपर असी ठीक दा चिन्ह लगा लेंदे हां। अज दे घर दे काम विच बच्चो तुसी भी इस प्रकार दी सहायता नाल चक्कर बना के चक्कर नाल संबंधित धारणावां केंद्र अर्ध व्यास व्यास अते जीवा दी रचना करन दा अभ्यास करना है। थैंक यू।